ये सब वसीला है वसीला जी जब कुरान ने हमें ये हुकुम दिया कि वसीला तलाश करो तो हमने वसीला तलाश कर लिया अली हमारे लिए वसीला है गौसे आजम हमारे लिए वसीला है शेख अब्दुल कादिर जिलानी वसीला है हमारे लिए रसूल की जात इमाम अली हजरत सैयदना हुसैन ये हमारे लिए वसीला है कुरान की आयत मैं आपको बता रहा हूं أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خيرنا ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أزيزان محترم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أماري توحید أبكسات مسألة توحيد الشرك رہی رهيتي बिलखसूस मसल इस या जिसको तवसल के दायरे के अंदर भी कभी कभी ले लिया जाता है इस सिलसिले में हमने महसूस किया है कि मिनी मुबिनात को कई बार ग़लत फ़हमियाँ होती हैं कई बार शकुक व शबहत का शिकार हो जाते हैं वो इस वजह से कि बाज़ मौलवी हजरात कुछ क़ुरानी आयतों की ग़लत तफसीर या गलत तश्री कर देते हैं उसमें तफसीर बिर राय से काम ले लेते हैं बजाय इसके कि क़ुरान को उसकी अरबी ज़बान जिसमें वो नाजिल हुआ और उसके बाद फिर जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम ने जो तालीमात पेश की उम्मत को और फिर उनके जो मुकर्रब तरीन हस्तियाँ थीं यानी अहल बहत अतहार आसात वसलाम बजाय उनकी फहम की रोशनी में समझने की कोशिश करने के लोग अपने अफकार और आरा जो हैं वो आयतों में फ़िट करने की कोशिश में लग जाते हैं ताकि जो पॉपुलर और कॉमन प्रैक्टिस हैं उनको किसी तरह से जस्टिफाई कर लें और ये दिखा दें कि ये कुरान से मेल खाती हैं कुरान से मैच करती हैं जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता तो तवसल के हवाले से जहाँ तक मसले तवसल का ताल्लुक है तो तवसल तो शर्न मतलूब है तवसल का तो हुक्म कुरान में दिया गया है लेकिन तवसल का माना क्या है सही मतलब क्या है इसको समझने में भी और समझाने में भी कई बार लोग गलत फहमियों का शिकार रहते हैं और बिर राय करने की वजह से खुद भी बेवकूफ बन जाते हैं और दूसरों को भी गुमराही के रास्ते पे डाल देते हैं देखिए कुरान करीम की जो आयत है जिसमें तवसल का हुक्म दे दिया गया है हुक्म दिया गया है वो आयत बहुत ही वाजह है ये सूर मायदा है सूर मुबारक है, मायदा है कुरान का पांचवा सूर है इसमें पैंतीस नंबर आयत है आयत नंबर थर्टी फाइव इर्शाद बारी तला होता है या यादीना आमन वीलाईमान वालो अल्लाह से डरो तकवा अख्तियार करो और उसकी तरफ़ कुरबत का ज़रिया तलाश करो और उसकी राह में जिहाद करो शायद तुम्हें कामयाबी नसीब हो तो देखिए इस आयत में अल्लाह ताला अहले ईमान से मुखातब है उनसे फरमा रहा है कि ए ईमान वालों अल्लाह से डरो तकवा इख्तियार करो तकवा का माना और मतलब जो है वो लोगों को मालूम है माशाल्लाह से कि अल्लाह के जो अवामामिर हैं जो नवाही हैं जिन चीज़ों से अल्लाह रोका है उनसे दूर रहना गुनाहों से दूर रहना जो चीजें अल्लाह ताला ने जिनका हुक्म दिया है उनको बजा लाना ये सब तकवे के अंदर आता है ठीक है तो ये तो क्लियर है इसके बाद जो इबारत है वो अब इलैहिल हिल वसीला उसकी तरफ कुर्बत का जरिया तलाश करो यहां पर लोग तफसीर बिर राय कर देते हैं अपनी राय को फिट करने की कोशिश करते हैं और ये दावा किया जाता है अक्सर कि व इलेहिल वसीला उसकी तरफ तरफत का जरिया तलाश करने का मतलब ये बताया जाता है लोगों को कि तुम जो हो अल्लाह ताला के मासीवा और उसके अलावा उसके जो मुकर्रब तरीन बंदे हैं यानी अम्बिया या अउलिया इनको पुकारो इनसे मदद तलब करो इनसे हाजात तलब करो इनसे फरियाद करो ये है इसका सही मतलब वब तगुल वसीला अल्लाह लोगों को यह गलत सबक पढ़ाया जाता है यानी जो कुरान बात कह रहा है उसकी बिल्कुल उल्टी उल्टी बात उल्टा सबक सिखाया जाता है कुरान कह रहा है वब तगुल वसीला अल्लाह की तरफ कुर्बत का जरिया तलाश करो और इसकी तफसीर बिर राय करते हुए लोगों को क्या बताया जाता है कि नहीं वसीला तलाश करने का मतलब यह है कि आप पैगंबरों को या अंबिया मुरसलीन को या अम्मा को या जो अलिया हैं अल्लाह ताला के नेक बंदे रहे हैं और जो अल्लाह ताला के पास वापस चले गए हैं आप परद गैब के उस पार हैं इनसे आप जो है दुआएं कीजिए इनसे इनको पुकारिए इनसे फरियाद कीजिए इनसे अपनी हाजा तलब कीजिए और इनसे मदद मांगिए और अपनी मुश्किलें मुसीबतें परेशानियाँ इनके सामने पेश कीजिए और इनसे तलब कीजिए कि ये उसको दूर करें जबकि ये अल्लाह ताला के तवसल का तो मतलब ये होता है जैसा कि इमाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने समझाया इल्ला 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 अल्लाह ताला की, गुर्ब और हासिल की ही नहीं जा सकती मगर उसकी इताअत से और यहां उल्टा सबक यह पढ़ाया जाता है कि नहीं आप उसके वसीले उसकी कुर्ब के वसीले तलाश करने के नाम पर उसके कुरान में जो साफ आयात और अहकाम है उसकी नाफरमानी कीजिए क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने बिल्कुल वजाहत के साथ इस बात को हराम करार दिया है इस बात से रोका है और हमको इतनाब करने का हुक्म दिया है कि हम उसके अलावा उसके माँ सिवा उससे कमतर किसी भी जो पर गैब के पीछे से हम निदा दें या पुकारें या उससे मदद तलब करें या उससे अपनी मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई की उम्मीद रखें इससे कुरान ने एकदम साफ मना किया और पिछले बयान में हमने वो आयात भी पेश की थी जिसमें जिस यह हुक्म आया है तो लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने मना किया है और जाहिर है जब अल्लाह ताला किसी चीज़ से मना फरमाता है तो फिर वो चीज़ उसके करीब कहां से आपको लाएगी वो तो उससे आपको बहुत दूर ले जाएगी तो जिस चीज को अल्लाह तला ने मना किया है और अपने से बौद्ध का और दूरी का एक जरिया करार दिया है उसको लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि नहीं यही चीज तुम्हें अल्लाह ताला के करीब लाएगी वयाजबिल्ला तो दरअसल ये क्यों इस तरह से जो है गलत तालीम लोगों के पास पहुंचती हैं और लोगों को गलत सबक सिखाया जाता है वो इस वजह से है कि एक तो कुरान को समझने में सही मनहज और सही मेथडोलॉजी फॉलो नहीं की जाती है और अहलबैत अबहार अलहम की जो सही तालीमात हैं जिनमें उन्होंने कुरान की आयत और कुरान के जो मफाहिम और मतालब हैं उनकी तशरी फरमाई है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है उसको फरामोश कर दिया जाता है इस वजह से ये गलत फहमियाँ लोगों में पलने लगती हैं और फिर ये जो है ये अमली जामे में नुमाया हो जाती हैं क़ुरान करीम की अगर हम सबसे पहले ये उसूल अपने सामने रखें कि तफसर कुरान अबल कुरान सबसे पहले तो कुरान को उसकी खुद की जो अरबी जबान है उसकी रोशनी में समझने की कोशिश करनी चाहिए और कुरान में एक आयत में एक चीज़ जो एक जगह बयान की गई है दूसरी जगह उस पर और रोशनी डाली जाती है और उसके बारे में हमें और चीज़ें मालूम होती हैं तो ख़ासतौर से जो तफसीर हैं दोनों मकात फ़िक्र में अहले सुन्नत वल जमात में भी और अहले तशै हजरात में भी तफसर बलान तफसर कुरान बिल कुरान पर बहुत ज़ोर दिया गया है तबा तबाई ने मीजान में भी इस पर बहुत काम करने की कोशिश की है कि तफसर कुरान बिल कुरान हो तो अब कुरान में जब आप आते हैं तो देखिए ये वप्तगुल वसीला इसको समझने के लिए वसीला जो है ये ये इकलौती जगह नहीं है कुरान में जहां ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया हो या वसीला तलब करने की बात की गई हो बल्कि कुरान में एक और भी जगह है उसको भी आप उस पर भी गौर गौरव फिक्र कीजिए थोड़ा सा तो आपको बहुत फायदा होगा और बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी ये है सूरह बनी इसराइल ये कुरान का सूर नंबर सेवनटीन है

खाफूना अदाबा इ अदाबा र यहां पर अल्लाह तरशाद होता है इस आयत मेंसूल आप कह दीजिए ए रसूल कुल आप कह दीजिए उद उल लीना ज आम तुम मिंदू नहीं दुआ करो पुकारो उन हस्तियों को जिनके लिए जम तुम मिंदू नहीं जिनके लिए तुमने ये दावा कर रखा है कि उसके अलावा अल्लाह तला के अलावा अल्लाह तला के मां सिवा अल्लाह से कम दर्जे की जो हस्तियां हैं जिनके लिए तुमने यह दावा कर रखा है कि वो तुम्हारी हाजत रवाई कर सकती हैं तुम्हारी मुश्किल कुशा हैं वो तुम्हारी परेशानियों को मुसीबतों को दफा कर सकती हैं तो कुरान चैलेंज के तौर पर कह रहा है कि पुकार लो अगर इनको पुकार सकते हो हम तुम्हें बता दें कि अगर तुम इनको पुकारोगे फला वला ये हस्तियां जो हैं ये ना तुमसे किसी तकलीफ को दूर कर सकती हैं और ना ही ये तुम्हारे हाल में कोई बदलाव ला सकती हैं ये बिल्कुल आजिज हैं इनको कोई भी ऐसी ताकत कोई भी ऐसा इख्तियार नहीं दिया गया है अब जब इस तरह की आयतें पेश की जाती हैं तो कई बार लोग कहते हैं अरे हुजूर ये तो सूर जो है मक्की दौर में नाजिल हुआ था जहिर के सामने कुफ़ारो मशरिन मक्का थे ये लोग तो अपने बुतों से दुआएं किया करते थे अपने बुतों से फरियाद करते थे अपने असनाम से जो है उन्हीं की पूजा करते थे उन्हीं की इबादत करते थे और उन्हीं से जो है मदद तलब करते थे हाजत रवाई की उन्हीं से उम्मीद रखते थे तो ये आयतें जो हैं ये जो मुसलमान ये कर रहे हैं अलिया उल्लाह त के साथ या अंबिया अल्लाह तथा तो उन पर यह मुंतबिक नहीं होती है तो उसका बेहतरीन जवाब नेक्स्ट आयत में है ये जो पहली आयत है ये तो आयत नंबर छप्पन है अब आप आयत नंबर सत्तावन देखिए वहां अल्लाह ताला इर्शाद फरमाता है उलाइकल लदीना या दऊना ये जो जाते हैं ना और ये जो हस्तियां हैं जिनको ये पुकारते हैं जिनसे ये दुआ मांगते हैं हम तुम्हें इन जातों की और इन हस्तियों की हकीकत बताते हैं कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वसीला जिन जातों को या जिन हस्तियों को तुम पुकारते हो उनसे दुआ मांगते हो ये जाते हैं और ये हस्तियां तो खुद अपने रब के कुर्ब के वसीले तलाश करती हैं अयुम अकरब के कौन सा वसीला सबसे करीब उनको ले जाएगा अल्लाह ताला के पास वह अर्जुन रहमता हो और उसकी रहमत की उम्मीद रखती हैं वह अ खाफूनः अजाबा और उसके अजाब से खाइफ हैं क्योंकि इन अजाब अबी का कहना मजदूर आ तुम्हारे रब का अजाब है ही ऐसा कि उससे डरना चाहिए डरने वाली चीज है वो तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर दावा किया जा रहा है कि नहीं इस तरह की सारी आयतें तो बुतों के बारे में नाजिल हुई हैं जिनकी कुफार और मुश्रकी ने मक्का इबादत किया करते थे तो आप मुझे कुफार और मुश्रकी ने मक्का के बुतों में से जरा कोई ऐसा बुत दिखाइए जिस पर यह मुंतबिक होता हो जिस पर यह वादक आता हो आखिर कुफार और मुशरकी ने मक्का के बुतों में से कौन सा ऐसा बुत था जो अल्लाह ताला के कुर्ब को हासिल करने के वसीले तलाश करने में मशगूल रहता था और अल्लाह ताला की रहमत के उम्मीद में रहता था और अल्लाह ताला के आदाब से डरता था भाई जहां तक बुतों का ताल्लुक है असनाम का ताल्लुक है ये तो बेजान चीजें हैं इनमें ना तो होश होता है ना हवास नाम की कोई शय होती है तो इन पर ये कुरान जो ये कह रहा है कि तुम जिनको अल्लाह ताला को छोड़ के उसके मा सिवा उससे कमतर दर्जे की जिन जो तुम पर गैब के पीछे से दुआ मांगते हो तो ये ना तुम्हारी मुश्किल को दूर कर सकती है ना परेशानी को दूर कर सकती है ना तुम्हारे हाल में कोई बदलाव ला सकती है बल्कि ये जाते और ये हस्तियां तो वो जाते हैं जो खुद जिनको तुम पुकारते हो ये खुद अपने रब के नज़दीक आने अपने रब की कुर्ब को हासिल करने के लिए वसीले तलाश कर रही हैं तो ये कौन सा ऐसा बुत था मक्के में जिस जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि वो वसीले तलाश करता है वो अपने रब की रहमत का उम्मीदवार है और अपने रब के अजाब से डरता है क्योंकि उसके रब के अजा आपके रब के अजाब आपके रब का अजाब तो है ही ऐसी चीज कि उससे डरा जाए तो देखिए यहां पे जो है खुद अहले तफसीर जो है आपको बताएंगे और तफसीर खुद आपको बताएंगे कि यहां मुराद बुत हो ही नहीं सकते ये आयत बुतों के बारे में है हाँ ही नहीं बल्कि ये अल्लाह ताला के अम्बिया और ओलिया और नेक बंदे जैसे मलाइका उनके बारे में है आप देखिए यहाँ पे अलामा सैयद जीशान हैदर जवादी का तर्जुमा और तफसीर है इसमें इन्होंने देखिए यहाँ पे हाशिया नंबर बारह बांधा है इन्होंने फुट नोट नंबर ट्वेल्व है आप उर्दू हाशिए में आइए यहाँ देखिए फुट नोट नंबर बारह में क्या लिखा है उन्होंने कि इन मबूदों से मुराद मलाइका और हजरत ईसा आलाम और उजैर आलाम वगैरह जैसे अफराद हैं कि वो खुद रब्बुल आलमीन की बंदगी और उससे तकर्रुब की फिक्र में है इनकी खुदाई के दावे के क्या मानी है वरना बेचारे असनाम तो तकर्रब इलाही के तलाश करने के काबिल भी नहीं है तो ये आयत जो है ये असनाम और बुतों के बारे में हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो वसीला तलाश करना उनके बस की बात ही नहीं है वो कहां से वसीला तलाश करेंगे वो कहां से अपने रब की रहमत की उम्मीदवार हो सकते हैं तो इस आयत से जो है बिल्कुल वाजे तौर पर आपको समझ में आ जाता है कि कुरान का यह चैलेंज कि अल्लाह ताला के अलावा कोई भी ऐसी जात नहीं है जो मुश्किलों मुसीबतों परेशानी को दूर कर सके पर्दे गैब के उस पार गैबी ताकतों की बात हो रही है तो गैबी ताकतों में अल्लाह ताला के अलावा कोई भी ऐसी जात नहीं है जो आपकी मुश्किल कुशाई हाजत रवाई ये सब चीजें कर सके ये सब मखसूस अल्लाह ताला के सिफात हैं औसाफ हैं अल्लाह ताला के इख्तियारात हैं ये उसकी खुदाई सिफात हैं जो उसके किसी भी बंदे में नहीं पाई जाती कि वो गैब में रह के पर्दे गैब के पीछे से ये सारी चीजें कर सके आपकी हाजत रवाई कर सके आपकी मुसीबत परेशानी को दूर कर सके तो ये कुरान की एकदम क्लियर टीचिंग है और इस आयत से ये साबित हो जाता है कि यहाँ इस तरह की जो आयतें हैं जिसमें दुआ पे पाबंदी लगाई गई है कि आप अल्लाह ताला के अलावा किसी से दुआ नहीं कर सकते इससे मुराद सिर्फ बुत नहीं है बल्कि तमाम वो ज़ातें इंक्लूडिंग अम्बिया जैसे हजरत ईसा आसलम हजरत उजैर आम क्योंकि उस जमाने में इनको पुकारा जा रहा था अब आगे आने वाले जमानों में आप इसमें जितनी भी और हस्तियां ऐड कर दी गई हो चाहे वो अलिया उल्ला हो चाहे वो अम्मा हो चाहे वो कोई भी हो अगर अल्लाह ताला से के अलावा कोई ज़ात है तो ये आयत कुरानी इस बात को बिल्कुल वाजे कर रही है कि उसको पुकारने से कोई फायदा नहीं है अल्लाह ताला के अलावा कोई ऐसी जात नहीं है जो आपकी मुश्किलों परेशानी को दूर कर सके या आपके हाल में कोई बदलाव ला सके पर्दे गैब के उस पार रह के और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि ये जो हस्तियां जिनसे आप दुआ कर रहे हैं फरियाद कर रहे हैं पुकार रहे हैं कि मेरी मुसीबतों परेशानियों को दूर कर दीजिए ये जाते जो हैं कुरान आपसे कह रहा है कि आप इनको क्यों पुकार रहे हैं ये तो आपके लिए नमूने अमल बना के भेजी गई थी इनको तो आपको इनकी इतबा करने के लिए अल्लाह तला ने इनको पैदा किया था और आपको इनसे नवाजा था कि आप इनकी इतबा करें तो इनकी इतबा करने का क्या मतलब है इनका वस्फ क्या बताया गया है कि उला ये जाते जो है ये तो खुद अल्लाह के कुर्ब और उसकी नजदीकी हासिल करने के लिए वसीले और जराए की तलाश में है एक कौन सा वसीला उनको उसके सबसे करीब लाएगा और ये जाते तो खुद उसकी रहमत की उम्मीदवार है और उसके अजाब से डरने वाली है कि उसका अजाब वाकई में डरने वाले चीज डरने वाली चीज है तो इस आयत से जो है ये बिल्कुल चीज़ क्लियर हो जाती है कि जिन हस्तियों को आप पुकार रहे हैं वो तो खुद अल्लाह ताला की बारगाह में तवस्सुल करते थे नंबर नंबर और टू, अब वसीले का भी आपको मतलब समझ में आने लगा यानी इस आयत से कई सारे फवायद हैं एक तो फायदा आपका ये हो गया कि आपको समझ में आ गया कि कुरान में जो है सिर्फ बुतों से मना नहीं किया गया है बल्कि हजरत ईसा हो या उजैर आसलम हो कुरान ने इनका नाम भी नहीं लिया कुरान सीम में बात कर रहे हैं अब उस जमाने में हजरत ईसा इस इस कैटेगरी में आ रहे थे हजरत उज़ैर आसमाम इस, इस कैटेगरी में आ रहे थे अल्लाह ताला के मलाइका जो है वो इस कैटेगरी में आ रहे थे कि वो पर्दे गैब के पीछे हैं लेकिन फिर भी लोग उनसे जो है इस्तगासा कर रहे थे उनको पुकार रहे थे उनसे मदद तलब कर रहे थे तो इस इन सब चीज़ों पे पर कुरान ने रोक लगा दी और कहा कि इसमें कोई फायदा भी नहीं है और बल्कि आखिरत में तो नुकसान ही नुकसान है क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ शिरक माना जाता है और इसकी बड़ी सख् सज़ा है हर गुना की माफ़ी हो सकती है लेकिन इस गुना की माफ़ी नहीं है तो ये तो पॉइंट नंबर वन था पॉइंट नंबर टू था कि कुरान खुद ये कह रहा है कि जिन ज़ातों को तुम पुकार रहे हो जरा उनकी सीरत पे गौर करो चाहे वो हजरत ईसा ईज़ा हो चाहे वो हजरत उज़ैर आल्लम हो चाहे वो अल्लाह ताल के मलायका हो चाहे वो बाद में आने वाली ज़ातों में से आय बैत आल्लम हो या अलिया में हजरत अब्दुल्क़ादिर जीलानी या जिन जिन किस को भी और पुकारा जाता है उन सब के लिए भी ये ये वस्फ़ उन पर मुंतबिक आता है कि वो तो खुद वसीले तलाश करते थे अल्लाह तला काब हासिल करने के लिए वो खुद अल्लाह ताली को हमेशा पुकारते थे आप क़ुरान उठा के देख लीजिए अम्बिया सूर्य अम्बिया है जो कुरान का सूर्य नंबर इक्कीस ट्वेंटी वन अंबिया पढ़ लीजिए उसमें शुरू से आखिर तक अल्लाह पुकारा लेकिन किसको पुकारा अल्लाह को पुकारा किसी वली किसी इमाम किसी नबी को थोड़ी पुकारा उन्होंने वनुहन इज मिन कबल हजरत नूह की दुआएं मौजूद है कुरान में और इन्नी भी इनकी मगलूब उन फन मैं मगलूब हूँ मेरी मदद फरमा तो किसको पुकारा रब्बी अपने रब को अपने परवरदिगार को पुकारा इसी तरह से इसके बाद आगे जिक्र होता है अयूब का वो अयुब इज नादा रब याद करो अयूब को जब उसने निदा दी उसने पुकारा जब वो मुश्किलों परेशानी में बीमारी में तकलीफ के आलम में थे तो उन्होंने किसको निदा दी कुरान जवाब देता है वह अयुब इज नादा रब बहू अयूब ने अपने रब को निदा दी अपने परवरदिगार को निदा दी अंबिया का तरीका अल्लाह तला को पुकारना अल्लाह से दुआ मांगना यह अंबिया का तरीका है न कि किसी और नबी को पुकारना या किसी फरिश्ते को गैब के पीछे से पुकारना या किसी वली को पुकारना यह अंबिया का कतान तरीका नहीं है इसी तरह से तो वह अयूब रब्बी इन्नी रब रबी व अंत अरहमुर दुर्रुतर अयूब की दुआ भी अल्लाह ताला ने पेश की है कि उन्होंने फरमाया कि मुझको तकलीफ ने छू दिया है तो मुझे आ, आ, और तू सबसे रहम करने वाली जातों में सबसे ज्यादा रहम करने वाली जात तेरी जात है तो मेरे ऊपर रहम फरमा दे मेरी मुश्किल परेशानी को दूर फरमा दे तो बताया जाता है फस्त जब नहू पर कश्यफ नामा भी तो हमने उनको जवाब दिया और उनकी मुश्किलों परेशानी को दूर कर दिया आगे जो है हजरत जकरिया का जिक्र आता है उनको औलाद चाहिए थी कितने लोग आज भी औलाद के लिए परेशान रहते हैं कहां कहां जाके जो है माथा टेकते हैं कहां कहां जाके परेशान होते हैं कुरान मिसाल दे रहा है कि जकरिया आलम को भी बुढ़ापा आ गया बाल सफेद हो गए बीवी बांझ हो गई औलाद नहीं मिल रही अब किससे फरियाद करें किससे करते हैं भाई हजरत जकरिया जकरियालाम तो बाद में आने वाले पैगंबर हैं इनसे पहले तो कितने अल्लाह तला के मुकर्रब और उल आजम पैगंबर गुजर चुके थे हजरत नू आजरत इब्राहिम इनमें से किसी को भी वो नहीं पुकारते किसी भी वली को से इस्ता नहीं करते बल्कि ने निदा दी तो किसको निदा दी अपने रब को अपने परवरदिगार को रबिलानी फरदन वारीन परवरदिगार मुझको अकेला तनहो तनहा न छोड़ दे जबकि तू बेहतरीन वारिस अता करने वाला अता करने वाली जात तेरी जात है तो ये हजरत जकरिया की दुआएं पूरा कुरान जो है आप उठा के देख लीजिए अम्बिया की दुआ नेक बंदों की दुआएं अल्लाह ताला ने पेश की है सब रब बना रब बना रब बना रबी 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 सब अपने परवदिगार से मांगते थे अब आप आ जाइए अहल बहते अफहार अलहम की दुआओं में तो आपको मौला अमीर उमीन अली नबी तो की दुआएं को आप देख लीजिए उठा के जो आप हर शबे जुमा पढ़ते हैं उसमें मौला क्या फरमाते हैं बिल्कुल वही चीज जो आपको कुरान में नजर आएगी वही एन तालीम वही वही टीचिंग आपको अहल बैत क्या मिलेगी दुआल में आप खुद ये पढ़ते हैं मौलाम फरमाते हैं इलाही ए मेरे, है मेरे पास कौन तेरे अलावा जिससे मैं ये तलब करूं कि मेरी मुश्किलों परेशानियों तकलीफ को दूर फरमाए मेरे पास तेरे अलावा कोई है ही नहीं भाई इतने औलिया मौजूद हैं इतने अंबिया मौजूद हैं खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मौजूद है फिर मौला अली मौलाम जब अल्लाह ताला से दुआ फरमा रहे हैं तो ये क्यों कह रहे हैं कि इलाही ली गई रुख ऐ मेरे परवरदिगार पर मेरे खुदाया मेरे पास है ही कौन तेरे अलावा जिससे जो है असअलहू कशफुर्री जिससे मैं ये फरियाद करूं और तलब करूँ कि मेरे तकलीफ को मेरी परेशानी को मेरी मुसीबत को दफा कर दे दूर कर दे है ही नहीं मेरे पास कोई जात तेरे अलावा जिससे मैं ये सवाल कर सकूं उसके बाद फरमाते हैं अमरी पर अधिकार मेरे पास है ही नहीं कोई जात तेरे अलावा जिससे मैं कहूं कि जिससे मैं सवाल करूं कि मेरे उमूर में वो नज़र डाले और मेरे उमूर में, में मेरी रियायत फरमाए तो ये मौला अलैहि सलाम की भी तालीम है जो आपको बिल्कुल कुरान से मैच करती हुई नजर आएगी ये वो हस्तियाँ हैं जिनके लिए कुरान का ये वसफ मुंतबिक हो रहा है जिन पर कि जिनको तुम पुकारते हो वो तो खुद उसकी बारगाह में जो है उसको पुकारते हैं उसके क़ुरब के वसीलों के तलाश में मशगूल रहते हैं उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं और उसके अजाब से डरते हैं तो ऐसी जातों को कुरान कह रहा है अगर आपने पुकारा तो फला एम लिखू ना कशफक ब्रयान को मोला था तो ये आपकी मुश्किल कुशाई नहीं कर सकती आपकी तकलीफ और परेशानी और, और गम या जो भी चीज़ आपको सता रही है उसको दूर नहीं कर सकती ये ताकत और इख्तियार इनको दिया ही नहीं गया है इनका मकसद खिलकती ये यही नहीं है जो लोग समझते हैं इनको तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो है इसके लिए भेजा था कि ये हमारे लिए नमूने अमल बने ये हमारे लिए हमारे रहबर हैं कि इनकी राह पे हमें चलना है इनके नक्शे कदम पे चलना है इनकी तालीमत पे हमको अमल करना है इसके लिए हमको इनको भेजा गया था इस दुनिया में और नमूने के तौर पर हमको पेश किया गया था न कि हम इनको इसके लिए भेजा गया था कि हम इनको खुदाई सिफात और खुदाई इख्तियार दे दें और फिर जिस तरह से खुदा की इबादत और उससे इस्तेानत तलब की जाती है उससे इस्तेमानत की जाती है वैसे इनसे किया जाए ये तो इनकी तालीम के बिल्कुल मुनाफी और बिल्कुल खिलाफ हो जाएगा आखिर में जो है आयत वसीला के हवाले से ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे है। और सिर्फ ये ना हो कि हमने तफसीर कुरान बिल कुरान की बल्कि ये जो तफसीर कुरान बिल कुरान है यही चीज़ आपको अहले बैत अलैहि की सही तालीमात जो बिल्कुल कुरान वेरीफाइड है जिनकी कुरान तस्दीक करता है आपको ये बात वहां मिलेगी आप आइए नहजुल नहजुबला में ये जो आयत वसीला है इसकी जो हमने कहा था ना कि लोग तफसीर बिर राय करते हैं और अपनी राय से तफसीर करते हैं आप देखिए बैत अलैहिस्सलाम की तफसीर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि देखिए आयत वसीला में क्या कहा गया था कि उसकी तरफ कुर्बत का जरिया तलाश करो अब कैसे जरिया तलाश करें और ये क्या जरिए हैं यहाँ क्या मुराद है बलागा में आप खुतबा नंबर एक सौ दस देख लीजिए यह अलामा जीशान हैदर जव, जवादी साहब का तर्जुमा है मरहूम आल मकामह इसमें है वन ख़ुद बतीम फ़ी दीन ये इमाम आलिम का एक ख़ुतबा है जुने अरकान दीन के हवाले से दिया है देखिए इसमें क्या फरमाते हैं अब देखिये यहाँ इस खुतबे में जो है ये पूरा इसका अरबी टेक्स्ट हम अंग्रेज़ी लेक्चर में पेश कर चुके थे आज उर्दू में भी हम पेश करते चलेंगे इसका तर्जुमा आप लोग खुद मुताल फरमा सकते हैं अक्सर लोगों के पास तो ये किताब घर पर होती है खुतबा नंबर एक सौ दस है आपके खुतबे का एक हिस्सा है अरकान इस्लाम के बारे में देखिए मौला अली बिन इस्लाम क्या अरशाद फरमाते हैं कहते हैं अल्लाह वालों के लिए उसकी बारगाह तक या उसकी बारगाह में उसकी बार बारगा तक पहुंचने का बेहतरीन वसीला अल्लाह वालों के लिए उसकी बारगाह तक पहुंचने का बेहतरीन वसीला अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान तो सबसे पहला वसीला क्या बताया है अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान उसके बाद और राय खुदा में जिहाद कि जिहाद इस्लाम की सरबुलंदी है और कलमा अखलास यानी इलाहा ये जो कलमा है ये बहुत ही जबरदस्त कलमा है ये फितरत इलाहिया है और ये भी एक बेहतरीन वसीला है अल्लाह ताला के क़ुर्ब को हासिल करने का इस कलमे को इखलास के साथ पढ़ना और नमाज का क्याम कि ये एन दीन है और जक़ात की अदायगी कि ये फरीज वाजिब है ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है कि जी चाह तो दे दिया नहीं जी चाह तो नहीं नहीं जक़ात फरीज वाजिब है ये सारे बेहतरीन वसीले इमाम हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं निशानदेही फरमा रहे हैं कि देखो तुम्हें अल्लाह ताला का काब हासिल करना है ना इस आयत पे अमल करना है ना अब वगोले वसीला उसकी तरफ कुर्बत का जरिया तलाश करना है ना मैं बताता हूं तुम्हें कि उसकी तरफ कुर्बत हासिल करने के क्या वसीले हैं क्या जरिए हैं देखिए खुद एक ऐसी शख्सियत है जो अल्लाह तला के नहायती मुकरबीन मुकर्रब तरीन बंदों में है जिन्होंने अपनी सारी उम्र अपनी सारी जवानी जो है दसलीसम से तलब इल्म में गुजारी उनके सबसे महबूब तरीन शख्सियत हैं उनके और मारफ़ के उनके बाद आ, आ, सबसे बेहतरीन बयान करने वाली शख्सियत आपको मौलाम की मिलेगी वो जो है वो क्या बयान कर रहे हैं वसीले में बेहतरीन वसीलों में क्या बता रहे हैं अल्लाह पर ईमान रसूल पर ईमान और कलम अखलास नमाज का क़ायम करना ज़क़़त का अदा करना क्योंकि वो फरीज वाजिब है और माह रमज़ान का रोज़ा के ये अजाब से बचने के लिए सिपर है और हज बैतल् और उम्र के ये फ़क्र को दूर कर देता है और गुनाहों को धो देता है और सिले रहमी कि ये माल में इजाफा और अजल के टालने का ज़रिया देखिए सिले रहमी यानी अपने अज्ज़ा और अकारब जो अपने रिलेटिव होते हैं इनके साथ नक सलूक करना इनके साथ अच्छे तल्लु कायम रखना ये ये भी एक बेहतरीन वसीला है अल्लाह वालों के लिए अल्लाह ताला के पास उसकी कुर्ब हासिल करने का और इसके दुनियावी फवायद भी ये है कि माल में इजाफा होता है बरकत होती है और उम्र में भी बरकत यानी अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी उम्र को दराज फरमाए तो सिल रहमी एक बेहतरीन जरिया है उसका और फिर पोशीदा तरीके से खैरात है ये भी एक बेहतरीन वसीला है कि गुनाहों का कफारा बनता है ये और आल एलान सदका कि ये बदतरीन मौत को दफा करने का जरिया बनता है सदका खैरात ऐसी चीज है कि इसको पोशीदा और छुपा के करने का भी फजीलत आई है और खुल के करने में भी ताकि दूसरे लोगों को जो है इसकी तरफ आमादगी हो और हौसला अफजाई हो इसकी भी फजीलत आई है तो तोलान सदका देने से बदतरीन मौत दफा होती है बदतरीन मौत मरने से इंसान बच जाता है और ये उसका जरिया होता है और अकरबा के साथ नेक सलूक के ये जिल्लत के मकाम से बचाने का वसीला है आगे इमाम फरमाते हैं कि ज़िक्र खुदा की राह में आगे बढ़ते रहो कि ये बेहतरीन ज़िक्र है तो देखिए अल्लाह ताला का जिक्र भी बेहतरीन वसीला है और ख़ुदा ने मतकीन से जो वादे जो वादा किया है उसकी तरफ़ रगबत पैदा करो कि उसका वादा सच्चा है अपने पैगंबर पैगम्बर वसल्लम की हिदायत के रास्ते पर चलो यानी उनकी सुन्नत पर अमल करो कि बेहतरीन हिदायत है और उनकी सुन्नत को इख्तियार करो कि यह सबसे बेहतरीन हिदायत करने वाली है फिर कुरान करीम पे आप कलाम फरमाते हैं फरमाते हैं कि कुरान मजीद का इल्म हासिल करो कि यह बेहतरीन कलाम है और इसमें गौर और फिक्र करो देखिए अक्सर लोग तिलावत की वसनीत से जो है पढ़ते हैं अरबी में कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे हैं बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं सूरा ख़त्म करना है पारा ख़त्म करना है इमाम कह रहे हैं नहीं कुरान का पढ़ने का ये सही अदब नहीं है कुरान के आदाब में यह है कि गौर और फिक्र करो कि अल्लाह ताला ने जो बातें समझाई हैं उनको समझने की कोशिश करो उन पर अपना दिमाग लगाओ गौर फिक्र करो तभी तुम्हें जो है कुरान की हिदायत से फायदा होगा कि ये दिलों की बहार है इसके नूर से शिफा हासिल कर शिफा हासिल करो कि ये दिलों के लिए शिफा है और इसके इसकी बाकायदा तिलावत करो कि ये मुफीद तरीन किस्सों का मरकज है और याद रखो कि अपने इल्म के ख़िलाफ़ अमल करने वाले आलिम भी हैरान और सरगर्दा जाहिल जैसा है जिसे जहालत से कभी इफ़ाक़ा नहीं होता बल्कि उस पर हजत खुदा ज़्यादा अजीम तर होती है और उसके लिए हसरत और नदामत भी ज्यादा लाज़िम हो जाती है और वह बारगाह में ज्यादा काबिल मलामत होता है तो यहाँ पे यह खुतबा ख़त्म हो जाता है और अगला खुतबा जो है यहाँ से शुरू हो जाता है तो आप देख लीजिए ये इमाम अली अलैहिस्सलाम का खुतबा वसीला है जिसमें उन्होंने कितने प्यारे और बेहतरीन उमदा अंदाज से जो है उन्होंने इस आयत को जो भी इस आयत पढ़ के जिसके जहन में यह सवाल आए कि अल्लाह ताला ने हुक्म तो दिया है कि उसकी तरफ कुर्बत का जरिया तलाश करूं लेकिन आखिर यह कौन सी चीजें हैं कौन सी चीजें मैं करूं जिनके जरिए मैं अल्लाह के करीब आ जाऊंगा तो सबसे पहले तो कुरान में अल्लाह ताला ने आपको दिखा दिया कि तवस्सुल जो है यानी उससे कुर्ब हासिल करना यह तो उसके अंबिया और औलिया का शुरू से तरीका रहा है मलाइका भी अल्लाह की मुसलसल तस्बीह करते रहते हैं कुरान में बताया गया है क्यों अल्लाह की कुर्ब को हासिल करने के लिए हजरत ईसा आल्लाजरत उजैर आलाम वगैरह जैसे अफराद ये भी हमेशा अल्लाह तला की इबादत और उसके जो अहकाम है उसकी इतबा करते रहे तो कुरान ने बताया कि तवसुल इसे कहते हैं जो ये बरगुज़ीदा हस्तियां जो हैं जो जिस चीज में ये मशगूल रहती थी उसका नाम तवसल है अब उसकी मिसालें क्या है वो आपको मौला अली नबी ताल इस्लाम ने इस बेहतरीन खुतबे में दे दी कि अल्लाह पर और रसूल पर ईमान नमाज को कायम करना जक़ात को अदा करना रोज़ा शहर रमज़ान का रखना हजुलत उम्रा खैर सदका खैर खैरा रहमी ये सारी बेहतरीन अल्लाह वालों के लिए बेहतरीन वसीला है अल्लाह तला से क़ुरब हासिल करने का अब इस पूरे खुतबे में आपको कहीं भी नज़र आया दूर दूर भी कहीं नामो निशान नजर आया उस चीज का जो लोग तफसीर बिर्राए के तहत फिट करने की कोशिश करते हैं शायद में कहते हैं कि नहीं वसीले का मतलब यहाँ मौला अली ने बताया होता कि हाँ तवसल का ये भी मतलब है कि तुम रसूल खुदा को पुकारो हजरत इब्राहिम आल इस्लाम को पुकारो कितने हजारों सैकड़ों पैगंबर हैं मलाइका हैं जबरील है, है, है मिकाइल है इन सबसे जो है फरियाद किया करो इनको पुकारा करो ये तवसल है आपको जो है ऐसी तालीम इमाम सलाम की जो सही और मोतबर रिवायत और मरवियात उनसे हम तक पहुंची हैं उनमें कहीं नहीं मिलेगी जो गुलात की हुई और फैब्रिकेटेड रिवायात हैं तो वो तो जाहिर है आप उसकी सनत देख लीजिए और कुरान से कंपेयर कर लीजिए उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे इमाम की तालीमत हो ही नहीं सकती यह हमारे रसूल वसल्लम की तालीम नहीं हो सकती बल्कि कुरान और अहले बैत का मैसेज एकदम कंसिस्टेंट है उसमें आपको तवाफुक मिलेगा उसमें तताबुक मिलेगा आपको कि दोनों का यही दोनों की यही तालीम है कि हाँ बिल्कुल तवसल जो है मशरू है शरान मतलूब है अल्लाह ताला से कुर्ब हासिल करना ये कुरान का हुक्म है अल्लाह ताला का हुक्म है लेकिन ये कुर्ब हासिल कैसे किया जाएगा खुद कुरान ने अंबिया की मिसाल दे दी मलाया की मिसाल दे दी के यब तलामीला इनको देख लो ये मुसलसल अपने रब के कुर्ब के वसीलों की तलाश में रहते हैं यानी मुसलसल ये नेक अमल करते हैं मलायका जो है मुसलसल अल्लाह जिक्र और उसकी तस्बी करते रहते हैं कुरान में खुद अल्लाह तताया है कि उस अंबिया में कि रात और दिन तस्बी पढ़ते रहते हैं मलायका थकते नहीं है कोई वकफा नहीं लेते इसी तरह से जिन अम्बिया और अलिया का इस आयत में जो है जिक्र किया गया या अब तगोनाबीम उन अंबिया की सीरत आप उठा के देख लीजिए चाहे हज़रत ईसा आल्लाम हो चाहे हज़रत उजैर उज़ैराम हो या कोई और नबी कोई और पैगम्बर का भी आप देख लीजिए खुद हजूर अकदसम का देख लीजिए उनकी जो जरूरीत और आल से आलसे आय बैत अबहार आलम है उनकी सीरत उठा के देख लीजिए ये सब वो जाते जो हस्तियाँ हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सुल में गुजार दी लेकिन तवस्ल का सही मतलब में यानी अल्लाह ताला की कर्ब हासिल करना उन चीजों को अमल में लाकर जिनका अल्लाह ताला ने जिनकी तरफ कुरान में बाकायदा दावत दी है कि हाँ ये चीजें करो तो मेरी कुर्ब और मेरी नजदीकी तुमको हासिल होगी और वो कौन सी चीजें हैं जो मौलिया ने बलागा के उस खुद में, में बयान की कि अल्लाह ताला पर ईमान लाओ उसके रसूल पर ईमान लाओ नमाज क़ायम करो जक़ात अदा करो रोज़ा रखो हज पर जाओ हज बैत करो उमरा बजा लाओ सले रहमी करो खैर व खैरात करो नेक सलूक करो अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहो उसकी किताब की तिलावत करो लेकिन गरज तिलावत खाली नहीं बल्कि गौर और फिक्र और तदबुर, तदक तफक् इन सब चीज़ों के साथ कुरान की तिलावत करो उससे हिदायत हासिल करो तो ये तुम्हारे लिए एक बेहतरीन वसीला और जरिया बन जाएगा अल्लाह कुर्ब को और उससे नज़दीकी हासिल करने को तो इसकी रोशनी में मुझे उम्मीद है कि सारे शकुक व शबहत जो लोगों के दिलों में पले रहते हैं कभी कभी क्योंकि कुरान की दूरी की कुरान से दूरी की वजह से या एहबैत अबाराम की तालीम से गैर वाबस्तग की वजह से वो सब शकुक व शबहत दूर हो गए होंगे हमारा तो इसी यही कहना है और हम इसी की तरफ दावत देते हैं कि अगर कुरान और बैत आसलम से और उनकी तालीमत से जो है हमारा मजबूत रबता हो जाए और मजबूत ताल्लुक़ हो जाए तो हम कभी भी किसी भी शको व शबहात के शिकार नहीं होंगे बल्कि हिदायत के रास्ते पे चलने में हमें बहुत आसानी होगी और दीन का एकदम सही तस्वुर हमारे सामने आ जाएगा अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब को तोफ़ी फरमाए कि हम कुरान की तालीमत और अपने महबूब अपने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसलम की तालीमत उनकी सुन्नत और उनकी जो आल की तरफ से हमारे पास जो तालीमें आई हैं उन पर हम सही तौर पर उनका उनको फ़ॉलो कर सकें उनकी इतवा कर सकें और उन पर चल के आख़रत में भी नजात और कामयाबी हासिल करें और इस दुनिया में भी अपने रब के फजल और फ़ैज़ और करम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें व आखिर उदाना अनिल्दुल्ल रबालमीन वसलमकुम जमीआन वरम वक्त